अभी लिख रही हूँ। वन टू थ्री बुक खरीदी है। कहाँ घूम के? मैं भी आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की व्लॉग का आगाज करते हैं। तो अभी हमारे पास असर का टाइम होने वाला है और हमने जो है आप लोग अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आज व्लॉग हमने थोड़ी स्टार्ट लेट किया है, तो फजर जो है ना ये लिख रही है होमवर्क, लेकिन जब तक मैं इसको ना लिखवाऊँ ना तो ये ठीक से नहीं लिखती। अभी जो टीचर ने दिया है आपने वो लिखना है, बजाय आप यहाँ पर खुद से ये लिखना शुरू हो गई। ये वाला चेक करवा लिया था ना, आज मिला ही नहीं है इसका, इस नोटबुक का ना, दूसरी नोटबुक। तो अभी फजर की जो है डायरी वो चेक कर लेते हैं और इसको होमवर्क करवा देते हैं। वो अभी आज हम लेकर आए, पहले सुबह ही लेकर आ जाते थे, उसको मैंने जल्दी से बॉयल करने के लिए रख लिया। और बहुत सारे घर के काम जो है वो रहते हैं। और आज हम लोग कहीं गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे तो अभी मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा दूध बॉयल हो रहा है तो वो कहीं उबल ना जाए ऊपर। बच्चों को पहले वो दे देती हूँ, उसके बाद मैं फजर को होमवर्क करवाऊँगी और बाकी जो भी हमारी आज की रूटीन होगी ना वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इस साइड पे जी हो रहा है स्प्रे, क्योंकि आजकल जब ये मौसम आती है ना तो बहुत सारी फसलों को बीमारियां लगती हैं, क्योंकि कीड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है ना। ज़्यादा बन चुकी है, इतनी ज़्यादा हवस बनी हुई है। वहाँ पर मैंने रखा हुआ था, फिर मैं यहाँ पे लेकर आ चुक गई हूँ। एक तो गर्मी थी और दूसरे नंबर पर मैंने कहा यहाँ पर बैठ कर दूध बॉयल करूँगी। फजर जो है वो अपना काम लिख रही थी, तो जब मैं इसके ऊपर ना बैठूँ तो ये इधर उधर देखना शुरू कर देती है, ये इधर उधर लिखना शुरू कर देती है। तो साथ में इसको होमवर्क भी करवा लेते हैं और दूध भी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि जब इनको भूख लगी होती है तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और वीडियो में भी। तो इसलिए मैंने कहा पहले इनकी पेट पूजा फिर काम दूजा। बच्चों की पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि इनको कोई समझा नहीं सकता है, बच्चे हैं ये नहीं समझते हैं। बस जैसे दूध बॉयल होता है इसको ठंडा करके बच्चों को देंगे और फजर होमवर्क कर लेगी और उसके बाद जो भी काम होगा वो करेंगे। हाँ जी, मेन काम मेरा करने वाला रहता है, जो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही करना था लेकिन मजबूरी में हमें जाना पड़ा और मैं वो काम नहीं कर सकी। तो अभी जी बच्चों का दूध जो है ना वो मैंने बॉयल करके रख लिया है ठंडे पानी में, और साथ में बोतलें जो है ना वो भी धो दी हैं, क्योंकि ये फिर काम आते हैं दूध के लिए। और अभी मैं लेकर आई हूँ चारपाई, फजर मैंने कहा उसको डिस्टर्ब नहीं करते, अभी चारपाई सोने के लिए, बैठने के लिए नहीं, काम के लिए, क्योंकि हमारे घर जी हो गया है आटा ख़त्म। और आज हमने अपने दाना वाला जो पल्ला है ना उसमें से पहली बार निकालने हैं। हाँ जी दूध दो, चल देती हूँ आपको दूध देती हूँ। तो आज हम दानों वाले पल्ले से निकालते हैं दाने और बनाते हैं। आज पहली दफ़ा हम अपने घर के गंदम जो है ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम पिछले साल वाली इस्तेमाल कर रहे थे तो वो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि एक दफ़ा हमने ख़रीदे भी हैं दाने, पहले ही ख़त्म हो गई थी। और अभी हम इस साल वाली जो है वो शुरू करते हैं। ये है कि जो नई गंदम हो वो खाते हुए थोड़ी सी मुश्किल होगी, स्टार्ट में नई गंदम खाने से पेट काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो चले छोड़ें, अभी जो है हम दाने बना लेते हैं और मोहम्मद सुबान को दूध भी दे देते हैं। तारिक साहब आप पंखा लगा दें यहाँ पे, मैं दूध दे लूँ इसको। तो यहाँ पे जी मोहम्मद सुबान को मैंने दूध दे दिया है, उसने दूध पी के फीडर वहाँ पर रख दिया और तारिक साहब यहाँ पर कर रहे हैं फिटिंग इसकी, बैटरी हमने लगाई है, अभी वो लेकर आ गए हैं पंखा, क्योंकि पंखे के अलावा हमारे दाने नहीं बनने। और मैं लेके आ चुकी हूँ अपनी यहाँ पे छाज और साथ में कपड़ा वगैरह दाने डालने के लिए। हाँ जी पापा, क्या है ये? पाका पंखा है ये। तो अभी फिर से बादल बहुत सारे बन गए हैं, सूरज जो है वो बादलों में छुप रहा है, लेकिन वो क्या है कि बादल तो हैं लेकिन उमस बहुत ज़्यादा बनी हुई है। मोहम्मद सुबान नहीं करो, बाबा को चलाने दो पंखा। तो जैसे ही पंखा चलता है तो फिर हम लोग जो है ना दाने बनाते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से फजर की खबर रह गई। तो फजर जो है ये नए बुक्स पे कलर कर रही थी, ऐसे ही ख़राब कर रही थी। तो अभी मैंने आपको पुरानी दी है ना, तो अभी मैंने इसको पुरानी दी है, मैंने कहा आप इस पे लिखो। ले जी माशाल्लाह पंखा चल गया और हवा भी काफ़ी तेज़ दे रहा है। अच्छा इधर ना कैमरे में लग रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है हल्का हल्का, लेकिन बहुत तेज़ चल रहा है। और ये जो डॉगी, इनके बचाव के लिए अभी हमें यहाँ पर सारी दीवार बनानी पड़ेगी। मैंने कल ये सारे काने सेट करके रखे थे, इंशाल्लाह थोड़े से और उधर से लेकर आते हैं और फिर हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक हैं, ये इधर अंदर आ जाते हैं और गंद फैलाते हैं बहुत सारा ना, इसलिए यहाँ पे अभी जी हम लोग जो है ना बिछा लेते हैं कपड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और मैं किस साइड पर बैठूँ,
क्योंकि उस साइड से जो है ना इसका मुंह खुलना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ताले हमने अभी वही नहीं लगाए हैं, ऐसे ही है अल्लाह की आस पे, हम हर चीज़ अल्लाह की आस पे छोड़ते हैं। इसको हमने करना है ऊपर, थोड़ा सा करूँगी, अगर ज़्यादा करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा निकलेंगी, क्योंकि हमने उतना ही बनाना जितना हमने खाना है एक महीने में। मनो तो हम खाते नहीं है, तारिक साहब का तो आपको पता है वो तो खाते ही बहुत कम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाकी सभी कह रहे थे कि बारिश में जो है ना पानी पड़ेगा तो नहीं इसके अंदर पानी जाता, खतरे वाली बात नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे खड़ा किया। नहीं, 15 किलो काफ़ी है, 20 किलो नहीं, आटा ख़राब हो जाता है उसमें। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कपड़ा, ताकि अगर कोई पानी वगैरह यहाँ से थोड़ा बहुत जाए ना तो वो कपड़े मिल जाएगा। अम्मी लगाती थी अक्सर ना, इसलिए मैंने भी लगा दी। ऐसे ये जी माशाल्लाह हमारे दाने। फजर मुझे बोल रही है कि मामा आराम से सारे गिरा ना देना, मैंने कहा अम्मा दादी मशवरे दे रही हो। मामा सुबान भी बोल रहे हैं कि अम्मा दादी। ये आगे जी हमारे दाने, तो सबसे पहले जो है मुर्गियों का हिस्सा निकाल दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कवे भी बोल रहे हैं आप खाते तो हो नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फजर चार पाई पे चले जाओ, मट्टी आएगी ना। मोहम्मद सुबान जो है ना वो आगे आके खड़ा हो गया, इसने हवा नहीं लगने देनी। तो ये वाले जो दाने इसमें मट्टी तो नहीं है, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, डंडल बोलते हैं इसको, तो ये हवा के साथ ऐसे ऐसे आगे उड़ जाएगा और दाने हम जो है वो साफ़ कर लेंगे। फजर हवा के सामने नहीं खड़ी हो। हाँ जी ठीक हो गए, साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, हवा आने दो। ना ना ना, तो मुर्गियों ने अपने हिस्से के खा लिए, पेट फुल हो गए। आजकल गर्मियों में बहुत काम खाते हैं, जैसे हम लोग इंसान काम खाते हैं ऐसे ये काम खाते हैं। तो पंखा लगाने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि हवा के साथ सारे जो होते हैं तिनके वगैरह वो आगे चले जाते हैं और पीछे जो है बिल्कुल साफ़ दाने रह जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कुछ भी नहीं है इनमें, मट्टी कोई चीज़ भी नहीं है। वैसे तो इस दफ़ा गंदम वैसे भी धुली हुई है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा आई हैं, तो जो मट्टी थी ना दाने में वो भी ख़त्म हो गई। ऐसे करके हम अपने सारे दाने जो है वो बना लेंगे। ये नहीं कि मैं इसको एक बार ही करूँगी, बल्कि दो बार करने से जाके इसकी मुकम्मल सफाई होगी। वैसे तो पहले पुराने वक्तों में जो है एक बोलते हैं उसको इतना बड़ा सा दौरा होता है और मौला उसके साथ कूट के अगर उसमें मट्टी होती थी और ये वाली जो चीज़ होती थी ना इसको कूट के तो फिर बनाया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा बारीकियाँ थी। तो अभी आस्ता आस्ता लोग जो है ये जदीद चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ कम होती जा रही है अभी ना, वो उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो मशीनें आ गई हैं जिससे दाने बनाए जाते हैं। तो पहली दफ़ा जो मैंने दाने बनाए इतना सारा कचरा आया, बेटी नहीं मिलाओ नहीं, तो इसको मैंने साइड पे कर दिए। अभी यहाँ पे जो है मैं दूसरी दफ़ा कर रही हूँ, तो दूसरी दफ़ा चेक करें माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरे दाने, इसमें कोई कचरा वगैरह बाकी नहीं रहा, थोड़ा बहुत जो भी होगा वो भी साइड पर हो जाएगा। तो ये तो समझ लें जो है हम लोग देहाती बनाते हैं, शहरियों को इस चीज़ का ज़्यादा नहीं पता क्योंकि वो बनाते नहीं हैं, और दूसरे नंबर पर ज़्यादातर लोग आटा ही लेकर इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो वैसे गंदम लेते होंगे क्योंकि फिर बाद में आटा मिलता ही नहीं है।
हम लोग तो ऐसे बनाते हैं यहाँ पे ना। आप कचरा मिलाओगी, साफ नहीं आपने करना। मोहम्मद सुबान इधर आओ साइकिल लेके। मोहम्मद सुबान अभी यहाँ पे माशाल्लाह से जी हमारे सारे दाने जो है वो बन चुके हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे। अभी इसमें कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही, ये थोड़े से थे तो मैंने कहा इनको ये ऐसे करके ना, इनमें जो भी कचरा वगैरह है वे बाकी का वो ऐसे करके हैं। नहीं तो इसको ऐसे करके निकाल देते हैं। तो मुझे आज वो चीज़ बड़ी याद आ रही है जब अम्मी जहाँ दाने बनाती थी और हम छोटे छोटे होते थे, जैसे ही वो दाने बनाती थी ना, जो कचरा ऐसे साइड पे वो रखती थी ना, हमने भाग के वो कचरा सारा उठा लेना और डाल लेना अपनी झोली में, भाग के जाना कुल्फी ले लेनी या दुकान पे चले जाना, वहाँ से कोई ना कोई टॉफ़ी वगैरह और इस तरह की चीज़ ले लेनी। तो आज वो चीज़ बहुत याद आ रही है। ताक लगा के बैठते थे कि अम्मी जान जिस दिन दाने बनाएंगी ना, हमें दाने ज़रूर मिलने हैं। तो वो वैसे देती तो नहीं थी, लेकिन जो कचरा वगैरह आता था हम वो उठा के उससे भी अपना गुजारा कर ही लेते थे जी। तो दाने हमारी हो गए हैं जी तैयार। तो शाम हो रही है क्योंकि आज जुमे रात है, तो जुमे के दिन जो यहाँ पे आटे वाली चक्की जो है वो नहीं चलती। तो ये गट्टा जो है मैंने धो के रखा, अभी हम इसमें डाल लेते हैं दाने। तो जी करा डाल रही। हाँ जी डाल लेती हूँ, मुझे भी पता, कह रहा कि इसमें डाल लो। इतने पाल है इतने, नहीं नहीं वो पड़ा रहने दो, वो कचरा पड़ा रहने दो, उसको साफ करके ना वो बारीक दाने मुर्गियों को डाल दिया करेंगे। अभी फजर बनाएगी है, यहाँ पर तो कोई नज़दीक कुल्फी वाला भी नहीं है और ना कोई नज़दीक शॉप है, वरना फजर बेचारी भी ले जाती। उस टाइम पैसे की कमी थी, पैसा भी नहीं मिलता था। 2 रुपए वाला एक नोट था और 1 रुपए वाला जो होता था वो मिलता। फजर के काम क्या करने, ये फजर की वो हो रही है दानों की सफाई। नहीं करो फजर ऐसे। तो अभी जी, हाँ तो यहाँ पे सोना नहीं है, बैठना नहीं है। तो अभी जी शाम हो चुकी है, मैंने दाने जो है वो बना लिए, रख लिए, अभी लेकर जाएंगे। तारिक साहब शाम को पिसवा कर लेकर आएंगे। थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था उसकी मैंने अभी उसको गूंदा है, उसकी हम बनाते हैं रोटियाँ, क्योंकि तंदूरी जो है वो जल रही है। सुबह हमने जो है खाना नाश्ता जो है वो नहीं बनाया था, बस मैंने फजर को बिस्कुट दिए थे और साथ में मैंने इसको दे दी थी चाय। हाँ जी आ जाओ, क्योंकि सुबह ही हमें जो है ना बहुत ही बुरी खबर मिली कि मेरी एक दोस्त थी, बहुत ही समझ लें करीबी दोस्त मेरी, यानी कि क्लास फेलो भी थी बचपन से ही हम आ रही जो है ना, हम लोग इकट्ठे पढ़े। ये क्या है, आंधी आ रही है ना इस साइड से, तो यानी कि हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं, तो काफ़ी हमारी एक दूसरे के साथ दोस्ती थी जैसे होती है लड़कियों की ना आपस में। तो अचानक ही हमें सुबह जब खबर मिली, मैसेज आया, भाई ने हमें मैसेज किया कि आपके उस फ्रेंड की जो है डेथ हो गई है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अचानक से हम लोग फिर जो है निकल गए वहाँ पर, तो वहाँ पर भी गए हैं तो फिर खाना वगैरह, तो आपको पता है फौतकी वाले घर में से खाना तो बंदा नहीं खाता ना, तो वहाँ पर भी खाना वगैरह जो है हमने नहीं खाया। अभी मैं आई हूँ तो ये दानों वाली भी टेंशन थी कि मैंने दाने बनाने, आटा थोड़ा पड़ा। शाम हो रही है क्योंकि फिर कल जो है जुम्मा होगा, तो कल चक्की चलनी नहीं थी, तो आज मैंने कहा पहले दाने बना लेते हैं और उसके बाद फिर खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो अल्लाह पाक जो है उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे आखरत में, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है समझ लें ये इंसान की अर्जी ज़िंदगी है, यहाँ पर बस पता नहीं ये सांस है अगला सांस होगा। हमेशा जो है दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी दूसरे बंदे की दिल आज़ारी ना हो, या हमारी वजह से किसी दूसरे बंदे का दिल ना दुखे। तो बस मैं ये बस इतना ही कहूँगी, और अल्लाह पाक मेरी दोस्त को, आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे और उसकी मगफरत करे। बस
यही सारी मसरूफियात थी सुबह की, क्योंकि हम लोग उधर चले गए थे, तो फिर मैंने कोई सुबह से रूटीन वो है ना शेयर नहीं कर पाई आपसे। तो बस अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत रखे, और इंशाल्लाह अभी कल के नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।